आज भोजपुरी के ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में आप इनवाइटेड हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट अवार्ड शो है और लकीली मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है। अरे वाह, क्या एक्सपीरियंस था आपको परफॉर्म करने के लिए इतने सारी क्राउड के आगे, इतने बड़े स्टार के सामने आपको परफॉर्म करने के लिए मौका मिला? अच्छा था, थोड़ी नर्वस थी शुरू शुरू में, बट जैसे एक बार कर लिया देन सेकंड टाइम आते आते आई वाज लाइक कि अब तो हो जाएगा, बहुत अच्छा रहा। और आपने किस गाने पे परफॉर्म किया जरा उसके बारे में? मैंने एक गाना किया है, मेरी पहली फिल्म से मेरी भोजपुरी में एंट्री हुई थी संघर्ष की, सतुआ जवनिया के, उस पर मैंने किया है। एंड सेकेंड सॉन्ग जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, दबे पाँव भैया। अरे वाह, अवार्ड जब मिलते हैं तो बेसिकली एक आर्टिस्ट को कितना एप्रिसिएशन होता है, हौसला बढ़ता है, बताएंगी? बहुत बहुत, मतलब आप ना ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी पब्लिक, आपकी ऑडियंस, मीडिया आपको प्यार कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अप्रिशिएट करना चाहिए। और जिसे अवार्ड नहीं मिलता उसे तो बड़ी तकलीफ होती होगी शायद? देखिए मुझे तो मिला नहीं है, जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं बताऊँगी। और तकलीफ वाली बात नहीं है, एक टाइम पर आएगा आपको जब लगेगा कि आपने अच्छा काम किया तो डेफिनेटली लोग आपको अवार्ड। शायद नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वाला मतलब होगा शायद, कि अगली बार तो जरूर मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को कितनी फिल्में दे रहे हैं, आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, उस बेसिस पे आपको नॉमिनेट किया जाता है। तो जिस दिन, अगर मैं अपनी ही बात बोलती हूँ, जिस दिन लगेगा कि मैं अवार्ड लेने लायक हूँ, डेफिनेटली मुझे भी मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।